इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कोतवाली खेकड़ा क्षेत्र में हुई पुलिस और तस्करों में मुठभेड़। बागपत में दो गौ तस्करों को मारी गई गोली, गौ तस्कर मुठभेड़ में हुए घायल। अवैध जिंदा कारतूस हुआ बरामद। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें, भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस हुआ बरामद। गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर भी की थी फायरिंग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कोतवाली खेकड़ा क्षेत्र में हुई पुलिस और तस्करों में मुठभेड़। बागपत में दो गौ तस्करों को मारी गई गोली, गौ तस्कर मुठभेड़ में हुए घायल। अवैध जिंदा कारतूस हुआ बरामद। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें, भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस हुआ बरामद। गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर भी की थी फायरिंग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कोतवाली खेकड़ा क्षेत्र में हुई पुलिस और तस्करों में मुठभेड़। बागपत में दो गौ तस्करों को मारी गई गोली, गौ तस्कर मुठभेड़ में हुए घायल। अवैध जिंदा कारतूस हुआ बरामद। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें, भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस हुआ बरामद। गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर भी की थी फायरिंग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कोतवाली खेकड़ा क्षेत्र में हुई पुलिस और तस्करों में मुठभेड़। बागपत में दो गौ तस्करों को मारी गई गोली, गौ तस्कर मुठभेड़ में हुए घायल। अवैध जिंदा कारतूस हुआ बरामद। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें, भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस हुआ बरामद। गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर भी की थी फायरिंग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कोतवाली खेकड़ा क्षेत्र में हुई पुलिस और तस्करों में मुठभेड़। बागपत में दो गौ तस्करों को मारी गई गोली, गौ तस्कर मुठभेड़ में हुए घायल। अवैध जिंदा कारतूस हुआ बरामद। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें, भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस हुआ बरामद। गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर भी की थी फायरिंग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कोतवाली खेकड़ा क्षेत्र में हुई पुलिस और तस्करों में मुठभेड़। बागपत में दो गौ तस्करों को मारी गई गोली, गौ तस्कर मुठभेड़ में हुए घायल। अवैध जिंदा कारतूस हुआ बरामद। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें, भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस हुआ बरामद। गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर भी की थी फायरिंग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कोतवाली खेकड़ा क्षेत्र में हुई पुलिस और तस्करों में मुठभेड़। बागपत में दो गौ तस्करों को मारी गई गोली, गौ तस्कर मुठभेड़ में हुए घायल। अवैध जिंदा कारतूस हुआ बरामद। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें, भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस हुआ बरामद। गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर भी की थी फायरिंग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कोतवाली खेकड़ा क्षेत्र में हुई पुलिस और तस्करों में मुठभेड़। बागपत में दो गौ तस्करों को मारी गई गोली, गौ तस्कर मुठभेड़ में हुए घायल। अवैध जिंदा कारतूस हुआ बरामद। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें, भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस हुआ बरामद। गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर भी की थी फायरिंग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कोतवाली खेकड़ा क्षेत्र में हुई पुलिस और तस्करों में मुठभेड़। बागपत में दो गौ तस्करों को मारी गई गोली, गौ तस्कर मुठभेड़ में हुए घायल। अवैध जिंदा कारतूस हुआ बरामद। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें, भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस हुआ बरामद। गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर भी की थी फायरिंग।